समय से लगातार वो किसी न किसी रूप में रोज एक्टिविटी करके सरकार का ध्यान आकर्षित करने का उनका प्रयास है। मैं मानता हूँ वो उनकी आवश्यकता है और उनको वो करते हैं। मैं इसको नकारात्मकता से नहीं लेता, सकारात्मकता से। जहाँ तक प्रश्न है कि अतिथि विद्वान आंदोलन क्यों कर रहे हैं, पिछले 30 साल से लगातार पूरे देश में उच्च शिक्षा के मापदंड बढ़ते जा रहे हैं, अच्छे होते जा रहे हैं और मध्य प्रदेश पिछड़ता जा रहा है। पिछली 15 साल की जो सरकार थी उन्होंने हर साल 50,000 नए बच्चे पीएससी से चयनित होने के लिए तैयारियां करते हैं पर पीएससी की कोई एग्जाम नहीं निकाली। इसी का नतीजा रहा कि जो लोग क्वालिफाई थे वो पीएससी की एग्जाम तो होती नहीं थी, तो पीछे के रास्ते से या सरकार द्वारा बताए हुए रास्ते से उनको अतिथि के रूप में काम करना पड़ा। ये पिछली सरकार का फेलियर और पाप है, शिवराज सिंह जी का जो काम करने के तरीके का नतीजा है कि क्वालिटी वाली एजुकेशन देने के बजाय उन्होंने अपनी जो काम करने की शैली थी वो अकर्मण्य भाव से की और उसी का नतीजा हुआ कि इतनी बड़ी तादाद में लगभग 5,000 अतिथि विद्वान पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं। 5,000 अतिथि विद्वानों को अगर सही समय पे पीएससी देने के अवसर मिल जाते तो वो आज लोग सड़कों पे नहीं आते, उनकी तकलीफें नहीं आती और दूसरों की तनख्वाह के साथ उनकी भी तनख्वाह एक जाय होके मैं मानता हूँ कि उनका भी अधिकार जो उनको मिलना था वो मिलता। क्योंकि नई सरकार बनी और नई सरकार बनने के साथ ही ये मुद्दा भी महत्वपूर्ण तरीके से आया कि अतिथि विद्वान, चूँकि मैं उसी विभाग का मंत्री हूँ तो मैंने हर बार कहा कि कोई व्यवस्था हो, एक भी अतिथि विद्वान अपने पद से बाहर नहीं होगा। तो मैं मानता हूँ कि 3,146 जब असिस्टेंट प्रोफेसर्स की रिक्रूटमेंट करनी पड़ी पीएससी से चयनित हुए हुए तो नेचुरल है कि जो अतिथि विद्वान काम पे थे उनको प्रभावित होना था। प्रभावित होने के तरीके में हमने कोशिश की कि कम से कम परिवार के लोग प्रभावित हो और 4,900 अतिथि विद्वान जहां काम कर रहे थे वहां सिर्फ 1900 अतिथि विद्वान प्रभावित हुए। 1900 अतिथि विद्वान प्रभावित हुए इसका मतलब है कि लगभग 3,000 से ऊपर अतिथि विद्वान आज भी काम रेगुलर लगातार कर रहे हैं और पिछली प्रक्रिया के अनुसार कर रहे हैं। जो 1900 प्रभावित अतिथि विद्वान है उनकी 1517 लोगों की हमने वैकेंसियां नई निकाली है जिसमें से 500 लोगों ने आवेदन करके अपने अपने काम पे चले गए। चूंकि ये 1000 लोगों की वैकेंसी इस हफ्ते में फिर निकलेगी और उसमें बचे हुए भी चले जाएंगे, तो मैं मानता हूँ कि एक सरकार ने कोशिश की कि हमारे परिवार के वो लोग जो लगातार सेवाएं दे रहे थे उनके अधिकारों की रक्षा हमने किया। जहाँ तक प्रश्न है अतिथि विद्वानों का कि एजुकेशन की क्वालिटी को सुधारने का दबाव समाज का और व्यवस्था का बना रहता है और हमारा धर्म है कि हम करें, हमने इन अतिथि विद्वानों को 20 नंबर पीएससी के नए 500 पद लगातार हर साल रिक्रूट होंगे, नए आएंगे जिसकी एग्जाम्स होगी उसमें नए लोगों के साथ इनको भी अवसर मिलेगा, नए अतिथि विद्वानों को भी जो काम कर रहे हैं, इन अतिथि विद्वानों को उनको 20 नंबर और आयु की सीमा उनके लिए समाप्त कर दी। ये सरकार ने कोशिश की कि अतिथि विद्वानों ने लगातार जो काम किया इनको पीएससी से चयनित होकर नियमित हो, इसके लिए इनको थोड़ा दौड़ में आगे दौड़वाएं। तो हमने 20 नंबर सब परिवार के बच्चों को जो अतिथि विद्वान है उनको कैबिनेट से पास करवा के ये अवसर दिया कि आप लोगों को थोड़ी सरकार की व्यवस्था की सहायता मिले, क्योंकि आपने समय दान दिया है, लगातार आपका परिवार का जीवन यापन की एक संकट सरकार का दायित्व होता है कि आपकी मदद करें और वो हमने प्रभावी तरीके से किया। मैं मानता हूँ इस भावना को उनको समझनी पड़ेगी सब परिवार के लोगों को। एक तरफ क्वालिटी एजुकेशन की बात होती है, यूजीसी के नाम्स की बात होती है और साथ ही साथ पीएससी से चयनित एक बहुत बड़ा मॉब जो पीछे खड़ा है आपके, जो नया आना चाहता है उसका भी ध्यान रखना है। तो नेचुरल है कि आपकी भावनाओं की कद्र हमें करना हमारी जिम्मेवारी है जो अतिथि विद्वान बैठे हैं।
पर ये भी हमारी धर्म है कि जो नए 50,000 लोग मध्य प्रदेश में हर साल तैयारी करते हैं, ऐसे पिछले 30 साल से पीएससी की एग्ज़ाम नहीं हो, तो कितना बड़ा माँ बाप भी उसी का एक हिस्सा है। तो जितने अतिथि विद्वान हैं, तो मैं मानता हूँ कि आप लोगों के लिए भी एक भावी संकट जो प्रदेश में बना हुआ है, इसको भी निपटना है। इसमें भी आपकी जिम्मेवारी सहायता करने की है। तो एक तरफ आप नियमितीकरण की जो बात कर रहे हैं, उसके लिए कर्मचारी आयोग बना है। दूसरी तरफ एक भी अतिथि विद्वान फॉलन आउट नहीं होगा, मैं हर बार कहता हूँ और फिर दोहरा रहा हूँ। मुझे आज बहुत दुख हुआ कि मेरी बहन ने अपना मुंडन करवाया। मैं आप लोगों को सबको जहाँ जहाँ पूरे प्रदेश में अतिथि विद्वान आज कार्यरत हैं और जो फॉलन आउट हुए हैं, मैं अनुरोध करना चाहता हूँ आप धैर्य रखें, व्यवस्था बन रही है। एक एक अतिथि विद्वान को काम पर लगाना हमारी जिम्मेवारी है। मैं ही वो व्यक्ति हूँ जो आपके आंदोलनों में आता था, आपके साथ खड़ा होता था, विपक्ष में रहकर विधायक के रूप में विधानसभा में आपकी बातें उठाता था। मैं मानता हूँ कि चूंकि मैं इस विभाग का मंत्री हूँ, तो मेरी कोशिश लगातार है कि जल्दी से जल्दी आप लोगों का रिक्रूटमेंट फिर से हो, आप लोगों की व्यवस्था के अंग आप बने, ये से हमारी अपेक्षा है। पर हर चीज़ सरकार के नियमों के, संविधान की पालना के साथ, भविष्य के की चुनौतियों के साथ करना भी हमारा दायित्व है। मैं सभी परिवार के लोगों से अनुरोध करता हूं कि लगभग 3,000 परिवार के लोग आज ऑलरेडी काम कर रहे हैं। जो करीब 1900 लोग फॉलन आउट हुए हैं, उसमें से 500-600 लोग ऑलरेडी नए वैकेंसियों में चयनित होकर फिर से चले गए हैं। जो 1500 वैकेंसियाँ 1100 वैकेंसियाँ फिर से निकल रही है आज और कल, 2-3-4 दिन में, तो आप लोगों को फिर अवसर मिलेगा। उसमें भी आप चॉइस फिलिंग की व्यवस्था है, उसमें आप जाओ और जिसको जहां अवसर मिलेगा उसको आप लोगों को घुमाना चाहिए। और जो बचे हुए 200-300 लोग हैं, उनके लिए भी हम पद सृजित कर रहे हैं, जिससे उनकी भी व्यवस्था बनेगी। तो किसी प्रकार का भ्रम, किसी प्रकार की राजनीतिक रोटियां सेकने वाले लोग में सबसे आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। मैं मानता हूं कि मैं जब तक इस विभाग का मंत्री हूं, आपके हितों की रक्षा करने की कोशिश होगी। आदरणीय कमलनाथ जी ने के भी यही निर्देश मुझे हैं। मैं सभी परिवार के साथियों से अनुरोध करता हूं कि आप लोगों को जो पीएससी के नए रिक्रूटमेंट होंगे, उसमें 20 अंक ज़्यादा दिए गए हैं, इसलिए दिए गए हैं, और आयु की सीमा हटाई गई है, इसलिए हटाई गई कि आपका समय दान है, आपका अनुभव है, और वो 20 नंबर से आप थोड़ा औरों से आगे दौड़ सके, और आप नियमित सही जो आपकी सैलरी होती है, जो एक प्रोफेसर की नियमों के अनुसार, सर्विस बुक के अनुसार होती है, उसके अनुसार आप नियमित हो, उसका प्रयास सरकार कर रही है। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ, सभी अतिथि विद्वानों से, कि ये जो आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है। आप करोगे तो भी प्रक्रिया लगातार चल रही है, और नहीं करोगे तो भी प्रक्रिया लगातार चलेगी। मैं आप सबके साथ हूँ। धन्यवाद। जय भारत। जय। देखो, दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक कि क्वालिटी एजुकेशन की जब बात करते हैं, तो देश में सबसे पिछड़े राज्यों में मध्य प्रदेश आता है। ये पिछली सरकार का पाप है, इसको मानना पड़ेगा। एजुकेशन को लेकर हम किसी भी प्रकार की दुर्भावना, राजनीतिक द्वेष, राजनीतिक भावना के बजाय, हमारा बच्चा, उसका भविष्य, मध्य प्रदेश का भविष्य और युवाओं का भविष्य की बात होनी चाहिए और देश के भविष्य की बात होनी चाहिए। आज देखो कि जितने साउथ के राज्य हैं, वो क्वालिटी एजुकेशन में हमसे कई गुना आगे हो गए और हम पीछे रह गए। जब विश्व भर की विधा में अलग अलग नवाचार हुए, तो मध्य प्रदेश ने उसको क्यों नहीं अपनाया? क्या कारण है कि सेमिस्टर प्रोसेस पूरे देश में चलता है और हमारे यहाँ नहीं चलता है? क्या कारण है कि बच्चों की अटेंडेंस के पार्ट पे कंप्लीशन क्यों नहीं हो पाया आज तक कॉलेजों में? पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग का प्रोविज़न इसीलिए कॉलेजों में किया जा रहा है कि बच्चों की जो अटेंडेंस है वो कंप्लीट हो और उनके एजुकेशन की क्वालिटी को सुधारा जाए। प्रोफेसर्स को भी के मन में भी ये भावना हो कि हमारे से अब कोई पूछने वाला है। ये सब बातों को एकजाय किया गया है, और मैं मानता हूँ कि हमारा उद्देश्य पूर्ण है, और हम थोड़ी सी तकलीफें आएगी, विरोध होगा, पर हम मानस बना चुके हैं कि हमें क्वालिटी एजुकेशन में मध्य प्रदेश को देश में नंबर वन लाना है, इस पर काम करें। नहीं, ये बिल्कुल, ये STSC को लेकर कई कॉलेज, जैसे अभी माफियाओं के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है, अलग अलग क्षेत्र के माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने,
शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है कि इसमें लठ लेके या डंडा लेके या एकदम स्टिक होके कोई काम नहीं किया जा सकता, क्योंकि बच्चों के भविष्य भी उससे जुड़े हुए हैं। पर हमने चिन्हित कर लिया है कि जहाँ जहाँ प्राइवेट सेक्टर में सिर्फ कॉलेज की दुकान चलाने के नाम पर बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, अगले सत्र में उन पर कार्रवाई से पहले उन पर कार्रवाई होगी, अगले सत्र से पहले उन संस्थानों पर कार्रवाई होगी। दूसरा, हमने जब क्वालिटी एजुकेशन की बात की तो सरकारी कॉलेजों में प्रोफेसर्स की अटेंडेंस भी कंप्लीट किसी न किसी रूप में करनी पड़ेगी, आपको आपका धर्म निभाना पड़ेगा। तीसरा, जो छात्रवृत्ति सहायता मिलती है बच्चों को किसी भी रूप में सरकार की सहायता, उसके नाम पर किसी भी गबन का या किसी भी घोटाले का, किसी भी भ्रष्टाचार का किसी भी प्रकार से जगह नहीं मिल पाएगी, इसको भी सीधे रूप में बच्चों को लाभ मिले सरकार की योजनाओं का, इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। इसको लेकर अलग अलग विधायक पर बात हो रही है, इसमें बच्चों का जो अंगूठे के निशान को लेके जो बात बन रही है, इस पर भी विचार है और चर्चा है। अल्टीमेटली बच्चे के खाते में पैसे जब जाते हैं तो किस तरीके से जाते हैं और उसका किस तरीके से उपयोग होता है, मूल शिक्षा का उद्देश्य पवित्र है और वो पॉजिटिव होना चाहिए, हमारा निर्णय है। जो मैंने बोला ये सब वचन निभाने की पात्रता मैंने पूरी प्रक्रिया समझा के दी, और पूरी प्रक्रिया का सार ये है कि आपको नियमित एक UGC के नाम के अनुसार करना हमारा दायित्व है, और वो ही नियमितीकरण की ये प्रक्रिया ही है। एग्जाम कुछ तो देना पड़ेगा नियमित होने के लिए, मैं मानता हूँ कि ये थोड़ा स्वाभाविक प्रक्रिया में कि सरकार सीधे कर दे, ये बच्चों के एजुकेशन के भावना को और कोर्ट के नियमों और कोर्ट के डायरेक्शन को समझ के निर्णय लेना पड़ता है। तो सारे अतिथि विद्वानों को भी मालूम है कि कोर्ट ने समय समय पर अलग अलग लाइन निर्देश दिए हैं सरकारों को, और उनको मानना एक संवैधानिक संस्थाओं का बाध्यता होती है। तो मैं मानता हूँ पहले हमारी नियत अतिथि विद्वानों के साथ न्याय करने की है, दूसरी हमारा धर्म अतिथि विद्वानों को जल्दी से जल्दी रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो, 15 दिन में इसका प्रयास है जो फॉलन आउट हुए, और तीसरा क्वालिटी एजुकेशन देना, ये भी हमारा दायित्व है, उस पर सरकार गंभीर है और काम कर रही है। लेकिन कोई कुछ है कि मैं मानता हूँ कि नगर निगम का कार्यकाल पूरा हुआ, खासकर इंदौर नगर निगम मेरा खुद का अपना गृह जिला है, और मेरी भी भावना है कि जो 4 साल लगातार हम नंबर 1, 3 साल आए, 4th साल भी संभावना हमारी है, इस नाते लगातार इंदौर शहर की इस गरिमा को बरकरार रखना, और साथ ही साथ जो इस 3 बार 4 बार भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम बनी उसके कई नेगेटिव कॉज भी सामने आए, कई घोटाले भी संज्ञान में आए हैं, उन सब का पर भी विचार किया जा रहा है, उन पर कार्रवाई करने की, या जो प्रोसेस बनी है पिछले कार्यकाल के दौरान, वो चाहे वाटर लेवल गिरने की बात हो, चाहे जितना पानी मध्य प्रदेश इंदौर जिले को मिलना, इंदौर शहर को मिलना था, दिन में 2 बार पानी देने की बात करने वाले ये लोग 3-3 बार नगर निगम बना गए, मेट्रो लाकर मेट्रो का सपना दिखाकर लोगों के आंखों में धूल झोंककर लोगों के वोट लेके 3-3 बार 4-4 बार ही नगर निगम बना गए, इन सब हिसाब को भी इनसे लिया जाएगा। मैं मानता हूँ कमलनाथ जी ने इंदौर को लेकर खासकर एक स्पेशल विज़न बनाया है जिसमें मेट्रो एक पहला आयाम है, जिसमें 28 तारीख को राऊ में कन्वेंशनरी पार्क एक विज़न के साथ औद्योगिक जगत स्मॉल उद्योग को बढ़ावा देने को लेकर उनका एक नया विज़न है। साथ ही साथ जो मिल मजदूरों की समस्या है, जो मिल से प्रभावित लोग हैं उनको न्याय दिलाने की बात है, उस पर फोकस है, वो अपनी जगह है, और जो कॉलोनियों को नियमित करना, कई परिवार के लोगों ने बहुत गरीबी में तकलीफ पाकर अपने जो मकान बनाए, अनियमित हुई कॉलोनियों को नियमित करने की हमारी जिज्ञासा है, कमलनाथ जी का विज़न है, वो भी हम पूरा करेंगे। और माफिया, जैसे हमने कहा, जितने माफिया भू माफिया हो या अलग अलग तरह के माफिया, उनके खिलाफ कार्रवाई, और अंतोगत्वा जिस व्यक्ति प्रभावित है उसको सहायता मिलना, मैं मानता हूँ ये भी एक सकारात्मक कदम है। ऐसे कई नवाचार हम इंदौर में करने जा रहे हैं और इंदौर की जनता को राहत मिले। हमारा चूंकि अब प्रशासक काम करेगा तो सरकार काम करेगी, और हम नए विज़न के साथ इंदौर को 50 साल बाद कैसा इंदौर बने उसको लेकर एक नई इबारत लिख